मॉब लिंचिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने वाली 49 हस्तियों के खिलाफ बिहार में मामला दर्ज हो गया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा माहौल हो गया है कि पीएम के खिलाफ कुछ भी बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश के क्या हालात हैं इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है या फिर उनसे सवाल पूछता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। आज देश में मीडिया को भी दबाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने यहां अर्थव्यवस्था के मसले पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को क्यों नष्ट किया। राहुल बोले कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज उसे ही नष्ट कर दिया गया है। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, जीडीपी में भी कोई रफ्तार नहीं है, रोजगार की भी हालत खराब है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या देश में सिर्फ 15-20 लोग ही रह रहे हैं, बाकी नागरिकों का क्या होगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी एक दिवसीय यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। उन्होंने यहां पर उन युवाओं से मुलाकात की जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 766 पर लगे यात्रा के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। केरल को कर्नाटक से जोड़ने वाले इस राजमार्ग पर रात की यात्रा पर बैन है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।